किरपाई नाथ की सुनियो लोगो महिमा आज सुनाऊं जन्म जन्म के साधु की मैं करा बात बतलाऊं जन्म जन्म के साधु की मैं करा बात साधु यानी किरमायना जी महाराज का जन्म होया था। कैसे उनके ऊपर झूठे दोष लगे थे, कैसे उन्होंने 5 साल की उम्र में ही घर त्याग दिया था लोगों, इस बात का बताया था। कैसे एक नंबर पे क्या बताया, धन धन नगरी व कुलरिया गांव, धन धन नगरी व कुलरिया गांव, खेती सारे काम की अक्षर वादी से जाके देखा था वो एक चमत्कार, जाके देखा था वो एक चमत्कार। देखिए कुलरिया में जी इनका जन्म आया था, बहुत ही इनके माता पिता खुशी हुई कि हमारे घर में एक सुंदर सी श्यान ने जन्म लिया है। और पहले बताते हैं रूल होया करता, जैसे कि आज अपने यहाँ पैरे लग गए ना बारी बारी 5-7 जने के, ऐसी हर गांव में एक सिस्टम होया करता कि एक इंसान सारे गांव के डांगर चलाएगा। ऐसे ही एक दिन उस किरमाई नाम महाराज की बारी आ जाती है लोगों, और गलती से सारी खेती किरमाई नाम बालक थे खेलने लग गए और डांगर में सारी खेती चलती लोगों। कुछ गांव वाला ने देखा तो उलाना लेके उनके घर उनके माता पिता गए कि थारे बेटे का सिर पर शरारत का शरार हो रहा है, हमारी सारी फसल का नाश करवा दिया, तो उनके ऊपर आरोप लगे। जब उनके माता पिता ने जाके देखा तो लोगों वह खेती नुकी नु खड़ी थी, क्योंकि वो एक चमत्कार था। तो किरमाईना जी ये बात सह नहीं कर पाए और अपने माता पिता से क्या बोले, हाथ जोड़ के बात पिता ते त्याग के घर की बजाओ जन्म जन्म के साधु की मैं बात बदलाओ, जन्म जन्म के साधु की मैं करा बात बदलाओ। किरमाईनाथ महाराज जी ने घर छोड़ा तो उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी लोगों, और उन्होंने डेरा बनाया बड़ौदा गांव जो कि जींद जिले में है, और उनको गुरु मिले श्री दुधाईनाथ जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, और उनकी भक्ति करके किरमाईनाथ जी ने महाराज ने मोक्ष द्वार पाया। कैसे दूसरे नंबर पे क्या बताया, 5 साल में ही बड़ौदा डेरा ला लिया, बहर जो ध्यान भक्ति में ला लिया, भाई नाथ जी गुरु मिले लीजा चरण शरण, कर गुरु की सेवा मोक्ष द्वार मारिया, कर गुरु की सेवा मोक्ष द्वार मारिया, कर गुरु
गुरु की सेवा ना लिया। चल पड़े घूमने में बड़की नई कहानी, हाथी पे चढ़े आवे थी एक राजा और रानी। उतरने लगी हाथी दे तो हाथ टूट गया, साची होगी किरमाई ने बोली बाबाणी। साची होगी किरमाई ने बोली बाबाणी। बताते हैं जब किरमाई नाथ जी उस दुदाई नाथ जी गुरु के पास थे तो घूमन न चाल पड़े लोगों। रास्ते में बताते हैं पटियाला राजा था, हाथी बचड़ के आओ थे राजा और रानी। और किरमाई नाथ जी मुंह के ऐसे ही वाणी निकल गई कि यह रानी तो टूटी है, लेकिन असल में वो थी नहीं। जब जैसे ही वो हाथी से उतरने लगी लोगों हाथ टूट गया, यानी किरमाई नाथ जी ने जो वाणी बोली थी वो साक्षी होगी। तो राजा पटियाला के कहने लगा, हो राजा पटियाला गुस्से में कह रिपोर्ट लिखाऊं, जन्म जन्म के साधु की मैं करा बात बतलाऊं, जन्म जन्म के साधु की मैं करा बात बतलाऊं। बोले कि माया और है तो राजा कहते हैं लोगों माया नहीं हट कर गया बोले उसने बंद करना पड़ेगा तो द्रौपदी ने किरमाई नाथ जी महाराज को थाने में बंद कर दिया तो कैसे क्या बताया तीसरे नंबर पे। राजा ने विश्वास होया से दूसरी माया। जब वो पटियाला राजा किरमाई नाथ जी महाराज जी को थाने में बंद करवा के चलते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कि किरमाई नाथ जी महाराज अपने गुरु श्री दुदाई नाथ जी महाराज जी का हुक्का वर्ण लाग रहे थे। राजा ने सोचा कि शायद द्रौपदी जी ने छोड़ दिया जो अड़ा रहा है, तो वापसी गए हालात में। वहां जाके देखा तो वहां भी उनको वैसे ही मिले। तब उस पटियाला राजा को विश्वास होया कि वाकई में यह दूसरी माया है। तो पटियाला राजा जी के कहने लगे, चरना मैं पड़ गया बाबा के बोला माफी चाहूं, जन्म जन्म के साधु की मैं करा बात बतलाऊं, जन्म जन्म के साधु की मैं करा बात बतलाऊं।
और ये वजन आपने बिल्कुल बोरिंग सा लगता होगा, लेकिन ये सच्चाई है बुलंद जी, बिल्कुल सच्चाई है, झूठ नहीं इसमें कभी भी। यदि सिर्फ 20 मिनट की बात है भजन सुनोगे, कुछ जानकारी मिलेगी सारी आने वो ठुमके तो पार नहीं पड़ा कर दी। सुबह जाओगे कुछ जानकारी लेके जाओगे पता लगेगा। कैसे चौथे नंबर पे बता दिया कि गुरु के आदेश दिया कि किसी गांव का बरात में जाना था, विक्रमायना तू बरात में जा, बोले बरात में चल जाऊंगा गुरु जी, लेकिन घोड़ा लेके जाऊंगा। कहते हैं घोड़ा मांग लिया किसी का उधारा और बरात में लेके चल के चार पांच दिन उस गांव में किरमाईनाथ जी महाराज ने वासा किया, रैन बसेरा किया। जब उनके मन में आई कि थोड़ा भ्रमण के लिए चल पड़ते हैं, रास्ते में जान लग रहे घोड़ा थोड़ी हट कर गया लोगों, और पांच सात पनियारी आवा थी, पानी लिया उनके बीच पड़ गया। वे डर की आपस के अंदर उनके मन के फूट के लोगों, इतना होते ही किसी चुगलखोर आदमी ने किरमाईनाथ जी महाराज के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, और गुरु दुधाईनाथ जी तो बोले कि आपका चेला तो छल करा था पनियारी।